बड़ी खबर निर्भया से जुड़ी हुई, निर्भया कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें 7 साल बाद फैसला आया है। दिसंबर की वो रात थी 2012 की जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद लगातार सवालों का सिलसिला, कोर्ट में दलीलें दी गई, लेकिन आज फैसला आया है। फैसला यह आया है कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी मुकर्रर कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर आज की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी होगी निर्भया के गुनहगारों को, जिनकी संख्या 4 है। चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट से। ये बड़ा फैसला हम आपको दिखा रहे हैं R9 टीवी पर। 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला है, निर्भया के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी हुआ है। तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था, लेकिन 5 बज के फैसला आया, चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया, सभी 4 दोषियों को फांसी की सजा। 7 साल 37 दिन के बाद इंसाफ मिला है निर्भया को, अब कानून में विश्वास बढ़ेगा, ऐसा निर्भया की मां कह रही हैं। क्योंकि जिस तरह से निर्भया की मां का भी इंतजार रहा, 7 साल 37 दिन का इंतजार कम नहीं होता है। और ये क्या होता है ब्लैक वारंट, इसमें डेथ वारंट फांसी, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, फांसी की सजा मुकर्रर की जाए, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी चारों दोषियों को। निर्भया कांड के दोषियों को सजा का ऐलान लंबे इंतजार के बाद, 7 साल 37 दिन के बाद ये फैसला आया है। मुकेश, पवन, अक्षय, विनय को फांसी होगी, ये वो आरोपी हैं, सभी 4 आरोपियों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा। दोषियों को 14 दिनों का वक्त मिला, सभी विकल्पों के इस्तेमाल को लेकर वक्त दिया गया है, क्या कोई विकल्प बचा है इन आरोपियों के पास, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ। अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दुबे जी, 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को इंसाफ मिला, कोर्ट में किस तरह की दलीलें, और अब जो वक्त तय हुआ है वो 22 जनवरी सुबह 7 बजे का, इस बीच में क्या कोई मौका दिख रहा है जो आरोपी हैं वो कोई याचिका दायर करें, उनके बचने के कोई संकेत? अभी तक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कॉन्करेंट फाइंडिंग एविडेंसेस को देखते हुए आ चुकी है, उन सारी दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है जो स्कूल पर्सन की हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है, ऐसा हमारे देश की कानून व्यवस्था है कि रिव्यू खारिज होने के बाद भी क्यूरेटिव का ऑप्शन रहता है, लेकिन कोर्ट अगर उस पर स्टे नहीं करती है डेथ वारंट को, तो क्यूरेटिव पिटीशन भी इनफ्रक्चुअस हो जाती है। तो 22 जनवरी की तारीख एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी। लंबा समय जो आपने देखा इस सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंबा सफर जरूर था, लेकिन इसका अनुभव भी बहुत हुआ है। हमारे देश में किन किन चीजों की कमी है न्याय के लिए, तो इसका हमें बहुत अनुभव भी हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ। बाईस जनवरी को सुबह 7 बजे होगी फांसी की सजा। जी हाँ, ये 7 साल 37 दिन के बाद निर्भया कांड में फैसला आया है, निर्भया केस के 4 आरोपियों को फांसी की सजा, निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट जारी हुए हैं। 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय किया है कोर्ट ने, निर्भया कांड में सभी दोषियों को फांसी होगी। दिसंबर का महीना, साल 2012 है, तारीख 16 है, और उस रात निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई, पूरा देश सड़क पर था, सवाल पूछ रहा था। 7 साल 37 दिन का वक्त लगा, लेकिन इंसाफ मिला। जैसे निर्भया की मां ने भी कहा, कानून पर विश्वास बढ़ा है, इससे और ज्यादा बढ़ेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचते, वो लोग कोर्ट कचहरी का रुख करेंगे।
प्रेमदा तोमर जी जुड़ रही है हमारे साथ, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तोमर जी स्वागत है आपका R9 टीवी में। आज महिलाओं के लिए भी बड़ा दिन है और आज निर्भया की मां के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि 7 साल के बाद फैसला आया, वो भी फांसी का सीधे। जी जी, न केवल ये महिलाओं के लिए बड़ा दिन है, आज पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि आपको याद होगा जिस समय ये 7 वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी, तो पूरा देश, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या कोई भी एक ग्रुप के लोग हों, सब सड़कों पे थे। निर्भया के पक्ष में सब लोग सड़कों पे थे और इसमें देर तो जरूर हुई है, 7 वर्ष का समय लगा है, परंतु एक बहुत बड़ा संदेश गया है। बहुत समय बाद ऐसे फांसी की सजा सुनाई गई है रेप के केस में। बहुत समय लगा लेकिन आखिरकार न्याय मिला निर्भया को, और मैं आज बहुत खुश हूँ, संतोष हुआ है इस बात को देखकर कि आखिरकार लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और ये इसको वर्डिक्ट को कायम रखा गया। तो अब हम 22 जनवरी की इंतजार कर रहे हैं कि इनको फांसी, इनको फांसी और इनके चारों दोषियों को फांसी मिले। जी, ये जो 7 साल का वक्त लगा, इस बीच में जो प्रोसेस हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सरकार सजा बरकरार रखी गई। हालांकि निर्भया की मां बार बार ये कहती रही कि कानून पर उन्हें विश्वास है, और आज भी उन्होंने कहा है कि कानून पर उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों का भी बढ़ेगा। नहीं, कानून पर तो पूरा विश्वास है ही, परंतु जो देर होती है इसमें, जो अमेंडमेंट आया था, क्रिमिनल जस्टिस अमेंडमेंट 2018 आया था, तो उसमें कहा भी गया था कि थोड़ा इसमें समय, थोड़ी जो प्रक्रिया है थोड़ी और फास्ट हो जाए, तो उसी का, और सब महिलाएं उसी का इंतजार करती हैं कि एक, क्योंकि बड़ा ऐसा समय जब लगता है इस केस में, तो बड़ा दुख होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उसके घर के लोग होते हैं, तो थोड़ा समय से हो तो इसमें और अच्छा रहता है, इसमें थोड़ी प्रक्रिया फास्ट होनी चाहिए। अब ऐसे कदम भी उठाए हैं सब जगह से, आपने देखा है कि हाईकोर्ट को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वो सारा भेजें डिटेल, किस तरह से प्रक्रिया को, कितने लंबित केसेस हैं, फास्ट हो सकता है, तो हम उसके लिए, हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इसको फास्ट किया जाएगा। सब महिलाएं, तो आज तो पूरा देश खुश है, बहुत संतोष है और सबको, चलिए पूरे देश में संदेश दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को पर तो सभी को विश्वास है, न्यायालय जो प्रक्रिया है उस पर तो किसी को अविश्वास की तो बात ही नहीं है, बस बात थोड़ी समय की हो जाती है, जब समय का हम लोग देखते हैं कि जी। कभी कभी धैर्य टूट जाता है जो लोग केस लड़ते हैं उनका, पर इनका मैं इनको बहुत सही साधुवाद देना चाहूंगी, इनकी माता जी को, निर्भया की मदर को, कि उन्होंने संयम नहीं खोया ना धैर्य खोया, लगी रही अपनी, और अंतिम अंत में सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं होती, तो वो दिखाया है कोर्ट ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमदा तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्सर ऐसी घटनाओं पर सवाल जवाब का सिलसिला जब बनता है तो थोड़ा इमोशनली भी लोग उससे जुड़ जाते हैं। श्वेता मेरी सहयोगी यहाँ पर हैं, लगातार हम लोग ऐसी खबरों को कवर करते हैं और उस पर सवाल जवाब भी करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएँ होती क्यों हैं। मैं श्वेता से पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आज उनकी फीलिंग कैसी है, 7 साल 37 दिन के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है निर्भया कांड को लेकर। श्वेता, कैसा महसूस हो रहा है? पंकज, देर आए दुरुस्त आए, पहले तो यही कहूंगी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हमें लग रहा था फैसला तो यही आना था, सबको पता था कि फैसला यही होना है, फांसी की सजा तो दे ही दी गई है, चीजों को लटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये जरूर कहूंगी कि ये शायद ये जो फैसला आज आया है इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि 7 साल तक कानून से खेलते रहे दरिंदे, जिनको पहले ही दोषी करार दे दिया गया था, वो जानते थे कि उन किन कानूनी पेचीदगियों में हम फंसा सकते, उलझा सकते हैं, और आज भी हमें लग रहा था कि शायद सुनवाई टल जाए, क्योंकि एक मिनट साइना जी जुड़ रही है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं आपके पास श्वेता आ रहा हूं। साइना जी, आपका स्वागत है, और इस मौके पर जब तारीख मुकर्रर कर दी गई है फांसी की, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि एक ऐतिहासिक निर्णय है, हम चाहते थे कि ये बहुत जल्दी हो, 7 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन इसके बावजूद एक लैंडमार्क जजमेंट जहां 7 साल के बाद इन दरिंदों को सजाए मौत मिला है, इसके प्रति मुझे लगता है कि 4 चीजों के ऊपर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। नंबर 1, कि हमारे कानूनी तौर पे हम कैसे स्ट्रॉन्गर प्रोसिक्यूशन ला सकते हैं, स्ट्रॉन्गर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ स्ट्रॉन्गर नैरेटिव, जहाँ पोलिटिकल विल दिखाया जाए और जहाँ जुडिशरी अपना वर्डिक्ट जल्द से जल्द दे, 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन दरिंदों के लिए,
और खास तौर से सोसाइटी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जिस दृष्टि से हम महिला को देखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, हमें ये भी याद करना चाहिए कि निर्भया के साथ हुआ क्या, किस ढंग से उनके बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया गया, उनको जलाया गया। ये एक मर्डर था और उस मर्डर के लिए सही सजा मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शायना जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए ऐसे मौके पर। जाहिर सी बात है अपने अपनी फीलिंग और एक महिला होने के नाते बहुत सारे सवाल जो मन में होते हैं उन सवालों के जवाब भी मिलते हुए दिखे। श्वेता लगातार हमारे साथ बनी हुई थी, मैंने बीच में उनको रोका था, उनकी कुछ बातें रह गई। श्वेता प्लीज। जी पंकज, जैसा शायना जी ने भी कहा बिल्कुल सही कहा, इसी चीज़ की बात मैं भी कह रही थी। 7 साल बाद इंसाफ मिला, इतना हाई प्रोफाइल केस, ऐसा लग रहा था 2000 और सभी कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर फांसी दे दी जाएगी, उसके बाद 7 साल लग जाते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है। सोशल रिफॉर्म की बात कही शायना जी ने, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई, आपको समझना होगा ये हमारे बीच ही रहते हैं लोग जिनकी ऐसी सोच हो। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये जो चारों दोषी हैं वो ऐसी प्लानिंग भी कर रहे थे, जेल प्रशासन ने ये कोर्ट किया है कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि वो आपस में लड़ जाएं या किसी दूसरे कैदियों से लड़ जाएं ताकि उन पर धाराएं लग जाएं, तो उनका वो जान रहे हैं कि किस तरीके से हम डीले कर सकते हैं केस को। तो यहां कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें कानून को और दुरुस्त करना है। कानून बहुत हैं लेकिन देखिए इसका फायदा जिसे उठाना वो कैसे उठा रहे हैं। तो यहां कानून को दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो भी निर्भया केस के समय जितनी भी कमिटी बनाई गई और जिन्होंने भी चीजें दी हैं कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो आज एग्जीक्यूशन कहां किस लेवल पे हो रहा है। निर्भया फंड को हम देख ले, फंड पड़ा रह जा रहा है, 90% तक फंड पड़ा रह जा रहा है, वो यूज नहीं हो रहा है। तो अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया, शायद डेथ वारंट जारी करके जज ने भी ये ऐतिहासिक फैसला दे दिया कि अब आप ऐसे खेल नहीं सकते। अभी भी क्यूरेटिव पिटीशन, राष्ट्रपति से दया याचिका, इनके पास दो ऑप्शन थे, उसके बावजूद डेथ वारंट जारी करना वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला कहेंगे पंकज, और सभी महिलाएं मुझे लगता है इस फैसले के बाद बहुत खुश होंगी। चलिए चलिए आराधना जी जुड़ रही है हमारे साथ कांग्रेस से। आराधना जी, निर्भया कांड पर फैसला 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी का समय तय हुआ है, 7 साल बाद कैसा महसूस कर रही हैं? मैं तो ये कहूंगी पंकज जी कि ये एक ऐतिहासिक ही नहीं, ये एक माइलस्टोन होगा इस देश के इतिहास का, बहुत बड़ा फैसला आया है। और मैं सैल्यूट करती हूँ निर्भया के माता पिता को जिन्होंने लगातार 7 वर्ष, शायद हर दिन वो जी होंगे, हर दिन वो मरे होंगे, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, पर अपनी बेटी को जो उन्होंने वायदा किया था कि उसको न्याय मिलेगा, उसको आज उन्होंने न्याय दिलाया है। आखिर मैं न्यायपालिका का भी बहुत इसका स्वागत भी करती हूँ, सम्मान भी करती हूँ इस फैसले का। और मैं यही कहूंगी कि आज एक बार फिर इस देश की लाखों करोड़ों बेटियों का विश्वास देश की न्यायपालिका में और मजबूत हो गया है जी। एक और चीज की आज कम से कम ये एक विश्वास समाज में भी गया है कि भले ही थोड़ा देर से आया फैसला, पर जो लोग इस तरह का कृत करेंगे, घिनौना काम करेंगे, उनको आज नहीं तो कल उनको इस तरह के निर्णय का सामना करना पड़ेगा। और समाज में सभी लोग जो निर्भया के साथ उस वक्त थे, उसके इस संघर्ष में उसके साथ रहे, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जी। आराधना जी एक सवाल है, अभी मेरी सहयोगी श्वेता ने भी ये इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास हम तमाम पॉलिसीज बनाते हैं और उसके बावजूद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उसके बावजूद भी हमें 7 साल 37 दिन का वक्त लग जाता है। ऐसे गंभीर मामलों को, ऐसे जिस तरह से घटना घटी, ऐसे मामलों पर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्या, फैसला जल्दी आ सकता है या कोशिश जल्दी की जा सकती है, कुछ और कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश से हूँ और आप लोगों का भी मैं मीडिया के साथ ही लगातार वो सारी घटनाएं दिखाते रहते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हुआ है। उन्नाव का मामला रहा हो, शाहजहांपुर का रहा या कई और मामले रहे, और लगातार कांग्रेस पार्टी ने एक ही डिमांड उस पर रखी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। और जब तक एक अंग्रेजी की कहावत, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मैं मानती हूँ कि जितनी अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और पास्को और रेप विक्टिम्स के लिए खासकर अलग होना चाहिए, और वो केवल कागजों में नहीं होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो अपराध होते हैं जहाँ पे एक बेटी का सम्मान चला जाता है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो नई एक तरह की क्राइम शुरू हो गया है कि रेप के बाद विक्टिम को जिंदा जला दिया जाता है, तो इस तरह के जो जघन्य अपराध है अगर उनको रोकना है हमें, तो कहीं ना कहीं ये डर, ये भय समाज में बैठाना पड़ेगा कि अगर इस तरह की किसी ने हरकत करी तो तत्काल उसके खिलाफ
पुलिस भी कार्रवाई करेगी और कानून भी। मैं एक बात सुन रही थी, निर्भया फंड की बात हुई, अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में ही 90% निर्भया फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनको ये, अगर ये शायद इस फंड की कुछ पैसा मिला होता तो आज उनकी परिस्थितियां दूसरी होती। तो हमें कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, और अपने खुद की व्यक्तिगत सोच को भी हमें सुधारना पड़ेगा और बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको ले जाना पड़ेगा। जी, निर्भया फंड का जिक्र आप मानती हो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। और उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को लेकर किस तरह की खबरें आती है हम और आप बखूबी जानते हैं, कई बार सवाल जवाब भी आपसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासी हलकों से भी आप प्रतिक्रिया आना शुरू हुआ है, निर्भया के माँ बाप भी ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फैसला लेट आया लेकिन दुरुस्त आया जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है। मैंने कहा हमारे सहयोगी लगातार ऐसी खबरों को रोज फेस करते हैं और सवाल जवाब पूछते हैं, कहीं ना कहीं मोस्टली भी टच रहता है। रितु हमारी सहयोगी हमारे साथ है, रितु विष्ट, उनसे हम जानेंगे। रितु, कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि अक्सर हमने कई बार देखा है इस तरह के केसेस जब हमारे सामने आते हैं, हमारे सामने खबर आती है तो कई बार भावुकता भी दिखती है, कई बार गुस्सा भी दिखता है, और एक महिला होने के नाते भी। देखिए, सबसे पहले बात तो कि जो फैसला आया है जिसका इंतजार हम कर रहे थे, तारीख का असल में इंतजार कर रहे थे, वो तारीख अब यहाँ पर मिल गई है, 22 जनवरी 7 बजे सुबह जब यहाँ पर फांसी दे दी जाएगी इन चारों ही आरोपियों को। लेकिन ये गौर करने वाली बात यहाँ पर है पंकज, कि अब तक जितने भी जिस तरह के केस आ रहे थे, जिस तरह से भी यहाँ पर रेप के मामले सामने आ रहे थे, उसमें हम ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देते थे। आप और हम जब खबरें पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि क्या उम्मीद कीजिएगा जब निर्भया मामले को लेकर ही फैसला नहीं आ रहा है, इस तरह से बढ़ता से इतनी घिनौनी तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया, आखिरकार जब उस मामले पर न्याय नहीं मिल रहा था और मामलों को किस तरह से लेकर हम न्याय की उम्मीद लगाए। लेकिन अब आज जिस तरह से फैसला आ गया है, एक उम्मीद यहां पर और मिल गई है कि और जो भी यहां पर पीड़िताएं हैं उनको जल्द से जल्द यहां पर न्याय मिलेगा। एक यहां पर ये एग्जांपल जो अब तक सेट किया जा रहा था कि देखिए अब तक वहां न्याय नहीं मिला तो आप क्या उम्मीद कीजिए, लेकिन अब न्याय मिल गया है तो अब लोगों आगे और लोगों को भी यहाँ पर न्याय मिलेगा। कभी कभी ये भी देखने को मिलता था कि अक्सर जो पीड़ित बच्चियां होती थी, लड़कियां होती थी, वो कोर्ट कचहरी नहीं जाती थी, शर्म के मारे, दबाव के मारे, वो कहते थे कि कोई सुनवाई होती नहीं है, केस लटका रहता है, लटकाया जाता है, पैसे वाले लोग है। इस जो फैसले के बाद क्या अब ये ज़्यादा उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों को भरोसा होगा कि वो कोर्ट जाएंगे और फैसला होगा जैसे निर्भया के उसमें हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कई केसेस ऐसे भी आते हैं, धमकाया जाता है आरोपियों के जरिए, परिवार को धमकाया जाता है। उन्नाव का भी एक केस आया था जहाँ पर जिंदा जला दिया गया था एक पीड़िता को और मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बाद ये हौसले बुलंद दिखते थे। लेकिन जब हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले सुनाते हैं और एक उम्मीद आम लोगों में जगाते हैं कि देखिए न्याय जरूर मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास और लोगों में जुड़ जाता है कि अगर कुछ अपराध हुआ है तो केस दर्ज कराइए, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की उम्मीद जो है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इस फैसले ने ये बताया जरूर है। और उन महिलाओं के लिए भी जो महिलाएं अक्सर शोषण का शिकार होती हैं, बलात्कार उनके साथ होता है, पीड़ित होती है, शोषित होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर उनके दिमाग में रहता है, वो डर ये रहता है कि कोर्ट कचहरी लंबे वक्त तक खींची जाती है, वहाँ जाएंगे तो दबाया जाता है, इस तरह से कोर्ट कचहरी कोई जाता नहीं, कोई थाने तक नहीं पहुँचता, और ऐसे में कानून पर विश्वास बढ़ेगा। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कहा स्वाति मालीवाल ने, आपके सामने ट्वीट है स्वाति मालीवाल का, 7 साल का ये लंबा सफर, जी हाँ, जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं, आंखों के सामने आ गया, खुशी से आंखें नम हो गई। एक वक्त वो था जब लोगों की आंखें नम हुई थी, 16 दिसंबर 2012 की वो रात, जब वो खबर उसके बाद आई तो लोगों की आंखें नम हुई, उसके बाद कैंडल मार्च, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी, लोगों ने सवाल पूछा महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब निर्भया कांड हुआ और उसके बाद निर्भया फंड की एक व्यवस्था की गई थी, और अभी कांग्रेस की एक नेत्री ने एक सवाल उठाया कि निर्भया फंड को लेकर कोई योजना बनाई ही नहीं गई, वो उस फंड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, दो सवाल मेरे आपके लिए होंगे। एक तो निर्भया कांड के बाद जिस तरह से ये कहा गया कि महिला सुरक्षा को लेकर स्टेप उठाए जाएंगे, निर्भया फंड भी उसमें शामिल है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2012 से लेकर आज तक जब ये फैसला आया है, इस बीच की पूरी कहानी, पूरा जो घटनाक्रम था वो कैसा रहा? देखिए, 12 दिसंबर के बाद जो देश ने नज़ारा देखा, पूरा दिल्ली, पूरा देश रोड पे था, उसके बाद
ये बातें सामने आई कि भाई आखिर किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। दिल्ली में डीटीसी की बसों में सीसीटीवी कैमरे की बात की गई, वो आज तक नहीं लगे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जरूर एक रखा गया है। निर्भया फंड की बात की जा रही है तो वो 80% फंड का जो है अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, राज्यों में वैसे ही पड़ा हुआ है। रेप पीड़िताएं आती हैं थानों से ही वापस लौट जाती हैं, तो ये इन चीज़ों को हमें पुख्ता करना पड़ेगा कि जो भी रेप विक्टिम है, जबकि उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको एक रेप विक्टिम को कितने दिनों के अंदर में कितना अमाउंट मिल जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इवन ये जो सेंगर वाला जो मामला था, उन्नाव वाला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी वर्डिक्ट में ये कहा है कि इसको 25 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए जो कि पीड़िता को दिया जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज इन द सोसाइटी। हाँ, इनको फांसी हो गई, जस्टिस मिल गई निर्भया को, ये अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों को फांसी देंगे आप? ये अभी हैदराबाद वाला केस है, इनको भी फांसी हो गई, और भी कितने इस तरह के केसेस आ रहे हैं अभी। माई पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज नेवर, डेथ इज नेवर सोल्यूशन। मैं पता है उस दिन का स्वागत करूंगी जिस दिन ये इस तरह के क्राइम्स और रेप्स होने ही बंद हो जाएंगे। आई डोंट नो, आई एम वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, यू नो, आई एम वेरी कॉन्फ्लिक्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कितने लोगों को फांसी होगी, कितने लोगों का खून की नदियाँ बह जाएंगी। और इनके साथ जो हुआ तो इन्होंने करनी वैसी करी थी, लेकिन आई एम लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड ऑनेस्टली। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑनेस्टली। कुछ कुछ मामलों में ना मैं अपना जान की बात, जहाँ बात होती है लाइफ एंड डेथ की, जहाँ बात होती है ना, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस। सो आई फील कि ये वक्त, मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ और उस टाइम को मैं बात कर लेते हैं। मैं देश के मीडिया को, पूरे देश के बच्चों को, लड़कियों को, सबको, पूरा समाज को धन्यवाद देती हूँ। सबने मेरा साथ दिया, फाइनली आज सबको इंसाफ मिला। 22 तारीख को उनको फांसी हो जाएगी। आप कोर्ट के अंदर थी, इसके बारे में बताइए हमें, आरोपियों के चेहरे एक भी स्टिकर नहीं थी। अच्छा जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हमारे आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन देश आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता है, बोलिए। कोर्ट में वो चाह रहे थे कि आज भी डेट ले ले, फाइनली जलसा सबका सुना, हमारा भी सुना, उनका भी सुना, और फाइनली उनका डेट वारंट जारी कर दिया। 22 तारीख को उनको फांसी हो जाएगी और पूरे देश को। किस तरह के भाव थे आरोपी वकीलों को देखा, जज साहब ने सबका सुना, सबको इंसाफ मिला, फाइनली आज उनका डेट वारंट जारी हो गया। आज हमारे लिए, हमारी बहन को न्याय मिला है, और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये इंसाफ सिर्फ हमारा नहीं है, आज का इंसाफ ये पूरे देश के बच्चियों का इंसाफ है। मैं सब पूरे समाज के, देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, मीडिया को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना। हाँ, बहुत जरूरी था एक देश को मैसेज देने के लिए। और जो लोग भी उनके जो पक्षकार, जो वकील थे, वकील के जो पक्षकारों के वकील थे, उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि इनके पास अभी टाइम है, टाइम सारे रेमेडीज लैप्स कर चुके थे। ये आर्गुमेंट हमने कोर्ट में किया और कोर्ट ने हमारी बात को कंसीडर किया। लास्ट 1 ईयर से इस कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, और उस हियरिंग पे जो भी चल रही थी उनको सफिशेंट नोटिस दिए गए, और नोटिस के बावजूद भी वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे, तो कोर्ट ने आज उस डिले टैक्टिक को रोका है और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया है। थैंक यू। लंबे समय से ट्रायल कोर्ट में आप संघर्षरत थी, आप ही देख रही थी इस मैटर को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी मैम कि आज मुझे वाकई में खुशी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी तब और होती अगर आज निर्भया हम लोगों के बीच जीवित होती। तो जो क्राइम किया गया, जो अब कन्विक्टेड है, उनको फांसी होगी, लेकिन निर्भया तो हमारे साथ से चली गई। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस तरीके के क्राइम इस देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये कोर्ट भी, आज इस कोर्ट ने ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करके ये क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरीके का हीनियस क्राइम होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट, एक नहीं, इस सेम नेचर के और भी केसेस अगर होंगे तो उन लोगों को हैंग किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। टेरर बहुत जरूरी है
कि लोगों के अंदर ये डर पैदा हो कि अगर वो इस तरीके का क्राइम करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैम, वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, एज पर द क्यूरेटिव पिटीशन व्हिच इज समथिंग व्हिच हैज बीन अलाउड बाय द कोर्ट, मर्सी पिटीशन, कैन दैट डिले द हैंगिंग और व्हाट वुड एग्जैक्टली, दिस इज द ओनली डिले टैक्टिक। मर्सी पिटीशन के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने इनको 2 महीने दिसंबर में 1 महीने पहले ही 7 डेज का नोटिस दिया था, बट इन्होंने, किसी ने मर्सी फाइल नहीं की। विनय शर्मा ने एक बताया कि उसने मर्सी पिटीशन फाइल की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, बट नेक्स्ट हियरिंग में वो कहता है कि वो मर्सी हम विड्रॉ कर रहे हैं। इट मींस कि कोई भी पेंडिंग नहीं थी इनकी, कोई भी रेमडी। क्यूरेटिव की बात करें तो क्यूरेटिव का इनके पास राइट नहीं था, क्योंकि ये रिव्यू में ओपन कोर्ट हियरिंग हुआ था, और ओपन कोर्ट जब हियरिंग होता है तो सारे फैक्ट पे, हर चीज पे एक ये री हियरिंग कहेंगे, जिसमें कोर्ट अपने आप को सुनता है। तो ओपन कोर्ट हियरिंग हुआ, इसलिए इनका क्यूरेटिव का राइट भी लैप्स कर चुका था। इनके पास कोई राइट नहीं था, इसलिए कोर्ट ने देखा कि आज इनकी कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, तो डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया। व्हाट वी वांट टू डू आस्क यू, देयर वाज अ इन कैमरा ट्रायल फॉर सम टाइम, लेकिन एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि चार चार जब एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें। निर्भया कांड को लेकर फैसला आ रहा है, सजा होगी 22 तारीख सुबह 7 बजे। रिया क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से 7 साल लग गए मुजरिमों को सजा देने में, ये एक बहुत बड़ी खुशी है, सिर्फ निर्भया के परिवार वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने आप को असुरक्षित समझती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। शायद अब कोई दरिंदा इस तरह की कदम उठाने से पहले वो एक बार सोचेगा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और आज ये कानून भी बहुत कानूनी तौर पर भी बहुत बड़ी जीत है, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशियों का पर्व है। लगता है कि 7 साल जो वक्त लगा है, उस दौर में कैसे उसके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी होगी, कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे, यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम चीज़ें, जल्दी फैसले के लिए बात हो रही है। देखिए, 7 साल में तो जहाँ तक लगता है कि निर्भया की माँ का 7 सेकंड के लिए भी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए होंगे। आज निर्भया के माँ आज असली दीपावली और होली मनाएंगी, क्योंकि आज उनके लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और सिर्फ निर्भया की माँ नहीं, आज हर वो महिला मनाएगी, हर वो लड़की मनाएगी जो सिर्फ मोमबत्तियाँ लेकर कभी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आती थी। जी हाँ, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, मार्च, ऐसी कुछ तस्वीरें अक्सर हमारे सामने आती हैं, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब ये घटना घटी 2016 में। और घटना घटने के बाद कैंडल मार्च और तमाम लोगों की भावनाएं सड़क पर दिखाई दी, और इस पर सरकारों ने स्टैंड भी लिया। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने स्टैंड नहीं लिया, जैसे बात हो रही है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, निर्भया फंड और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन उस पर क्या काम कर पाए हैं, क्या वैसा हो रहा है? आज भी ऐसी खबरें क्यों निकल कर हमारे सामने आती हैं कि निर्भया जैसी कई लड़कियां आज भी शोषित होती हैं, आज भी उनके साथ हैवानियत होती है, उसके बावजूद भी उन्हें इंसाफ मिलने में देरी होती है या इंसाफ मिलता ही नहीं। 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को इंसाफ मिला, चारों दोषियों को अब फांसी की सजा होगी। तो अलग अलग प्रतिक्रिया आना शुरू हुआ है, जहां निर्भया की मां खुश नजर आई, पिता ने भी कानून पर विश्वास जताया, उन्होंने कहा इंतजार लंबा जरूर था लेकिन आज फैसला हुआ है, फांसी 22 जनवरी सुबह 7 बजे, मेरी बेटी को इंसाफ मिला है।